प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर सेवा समर्पण रूप में वृक्षारोपण को कार्यक्रम भव्य संपन्न। जी हां, बात करें राजनगर की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर संपूर्ण देश में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा समर्पण के तौर पर 14 तारीख से 18 तारीख तक कार्यक्रम को आयोजन करो जाते। जी में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान, वृक्षारोपण जैसे कई निर्धारित कार्यक्रमों को संचालन करो जाते। जी में आज के क्रम में राजनगर परिषद के मुक्तिधाम में भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया के संगे मिलके सभी लोगों ने एक संगे 71 आंवला के पौधा को वृक्षारोपण करो है। जी में नगर परिषद प्रभारी CMO जगदीश मिश्रा सहित भाजपा कार्यकर्ता ने पौधा का मुक्तिधाम में रोपित करो। जी में सभी भाजपा कार्यकर्ता, नगर परिषद कर्मचारियों ने, गणमान्य लोगों ने मौका पे उपस्थित होकर वृक्षारोपण करो है। साथ ही स्थानीय गणमान्य लोगों के द्वारा जानकारी देते हुए बताओ गयो है कि मुक्तिधाम में अंत्येष्टि कर भी आज जो लोग हैं उनके बैठवे की व्यवस्था ना होवे, पानी की व्यवस्था ना होवे, पार्क की व्यवस्था ना होवे के सुझाव पे भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने आश्वासन देते हुए जानकारी दी है कि जल्द से जल्द मुक्तिधाम में एक प्रतीक्षालय बनाओ जाए और संग में पानी और पार्क को भी निर्माण कराओ जाए ताकि लोगों का कोनो असुविधा और परेशानी ना हो सके। इस संबंध में मेरी CMO से बात भी हो चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद पटेरिया, मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रचना पटेरिया, जीतन वर्मा, राजन वर्मा, गणेश पाठक, भैया जी अचनार, सत्यम खरे, रॉबी जैन सहित दर्जनन कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाई जब क्या कार्यक्रम रखा गया आज राजनगर मुक्ति धाम में? आज नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया जिसमें आंवले के 70 वृक्ष लगाए गए और इनको सभी यहाँ पर राजनगर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण के नगर पंचायती कार्यक्रम में सम्मिलित करके उसमें हमारे माननीय जगदीश मिश्रा नगर पंचायत के एक अधिकारी है और सभी कर्मचारी सभी हमारे मंडल अध्यक्ष भी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ पर वृक्षारोपण कर। भाई जब देखा जाए जो अंत्येष्टि के लिए यहाँ जो आते हैं लोग बाग वहाँ पर वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर वो रुक सके अंत्येष्टि के बाद, तो क्या कुछ हो सकता है आपके माध्यम से? यह विषय जो आया है निश्चित रूप से इसके विषय में पहले ही हमने हमारे जो यहाँ पर अधिकारीगण हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और उनने आश्वस्त भी किया कि हम जल्दी जल्दी यहाँ पर पार्क में जो प्रतीक्षालय है, जो बैठने की व्यवस्था है, जो छाया अंत्येष्टि के उपरांत जो हमारे गणमान्य लोग हैं, जो हमारे नगरवासी हैं, उनके बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी और भी जो वहाँ पर जो भी सौंदर्यीकरण होगा, जो भी यहाँ पर यहाँ मुक्ति धाम में जो भी व्यवस्थाएँ होगी, कोई भी चाहे पीने की व्यवस्था हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, छाए की व्यवस्था हो, सारी की सारी की जाएंगी। आपको कुछ दिनों बाद यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जहाँ खास खबर रहती बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता अरबाज खान की, तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।